हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। विकास चंद्रा ब्लॉग्स पर स्वागत है आपका। आज हम आए हैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि मिस्टर फन से फनी का क्या हाल है, यानी कि वो फटेहाल फटीचर का ये हाल दुर्दशा ऐसा हो गया है कि आप कभी सोच भी नहीं पाते होंगे। जो 100 रुपया 1000 रुपये खर्चा करने वाला इंसान, वो कंजूस, इतना कंजूस हो गया है कि वो आज एक नकली बाल लगाकर भी अपने सर को ढक नहीं सकता है। तो आइए मिलवाते हैं आपको ऐसे कलाकार से जो कि मेरे सामने है फन से फनी कलाकार मिस्टर विक्रम कुमार। नकली बाल लगाने का क्या जरूरत है, मेरा तो असली बाल है क्या ना। उगेगा तो और बड़ा बड़ा हो जाएगा भाई साहब। खेती खाली है, खेत में कोई अनाज नहीं है, ये गेहूं का फसल उगा हुआ है अभी। तो आज आए हैं, सोचे कि आज क्यों नहीं आप लोगों के साथ जो समय हम बिता रहे थे 2 दिन से, तो आज सोचे क्यों नहीं एक और कलाकार को अपने वीडियो में जोड़ लिया जाए जिससे आपका भी इंटरटेनमेंट अच्छा खासा होता रहे। चलिए, आज हम इसके घर पे आए हुए हैं और गर्मी इतनी है, देखिए आज बारिश हुई थी लेकिन आज बारिश में नहाए लेकिन नहाते हुए ना वीडियो बना पाए ना ही फोटो ले पाए, बड़ा अफसोस हुआ। चाहे गर्मी कितनी भी हो, चाय जरूरी है। अरे ये अरविंद केजरीवाल है, ये सबूत मांगता है, कहाँ से जाए सबूत। राहुल गांधी देखिए पसीना कितना, गर्मी बहुत गर्मी है, लगेगा नहीं कि नहाए हुए हैं, बहुत गर्मी है, यानी कि आर्द्रता इतना है ना हवा में, मत पूछिए। तब दोस्त कुछ बताओ, इतना दिन तुम 2 साल गायब रहे यूट्यूब से, तुम्हारे जो व्यूवर्स है, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स है, सोच रहा है कि पता नहीं कौन जगह तुम चले गए हो, किस ग्रह पे तुम चले गए हो, नज़र नहीं आ रहे हो। कुछ बताओ कि कहाँ तुम इतने दिन से क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, आगे आने वाले समय में तुम क्या करोगे। अभी नए काम में हाथ लगाए हैं तो नया काम में ये है, नया काम ये देखिए, ये नया काम है मेरे लिए, नया काम है क्योंकि हम ऑनलाइन करते थे और ऑनलाइन जो है नया काम है, लेकिन पेशे से हम पूरा सोसाइटी पूरा समाज हम लोग का जो है जमाने से हम लोग का काम ही है ये, बुनकर समाज का ये काम है, पावर लूम है ये। ऐसे तो पहले चंपानगर में हैंडलूम मिलता था, यानी कि हाथ से जो होता था चलता था, अब उसका समय के साथ साथ उसका जो प्रचलन खत्म होता चला गया। अभी भी है लेकिन बहुत दूर दराज एरिया में मिलता है, डिमांड को देखकर, इतना मतलब मार्केट, इतना जनसंख्या बढ़ गया सभी को, मतलब कि जनसंख्या की आपूर्ति के लिए कुछ तो चाहिए, तो इतना मार्केट में डिमांड हो गया कपड़े का कि अब वो पावर लूम आ गया। ये पावर लूम है जो मशीन से चल, मतलब बिजली से चलता है, अब बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन देता है। हालांकि जैकार्ड वाला बहुत ऊंचा ऊंचा मशीन भी है लेकिन अभी फिलहाल तो यही है, इससे भी आगे भी है लेकिन इसके पास अभी ये है, अधिकतर घर में ये चल रहा है। क्यों दोस्त, कुछ बोलो, मेरा मूल ताक रहे हो, हेमा मानी लग रहे तुमको क्या। कुछ बोलो, जमाने के साथ बदलता गया, पहले हैंडलूम था अब आधुनिकता इतनी बढ़ गई कि अब पावरलूम हो गया है, तो फर्क है उसमें। बॉडी काम करता था तो उसमें कम समय में, ज़्यादा समय में जो है कम प्रोडक्शन होता था, लेकिन कम प्रोडक्शन में ज़्यादा कमाई होता था, इसमें ज़्यादा कमाई होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है लेकिन कमाई कम है, क्योंकि पावर से चलने वाला चीज़ है, तो फिर भी ठीक है ले देखे। और कुछ बताओ, और रहा बात वीडियो का, तो वीडियो का कंडीशन जब ये सुधर जाएगा, ये सब काम संभाल लेंगे अच्छे से, तो फिर वीडियो में आने के बारे में सोचेंगे, जरूर आएंगे। और शादीशुदा लाइफ तुम्हारा कैसा चल रहा है, शादीशुदा लाइफ। अरे भाई तुम कर लो तो पता चल जाएगा। अरे कहाँ किस्मत में शादी भी है, तुम्हारे जैसा लकी तो नहीं है ना। अच्छा लकी है, अच्छा लकी मान रहा है हमको शादीशुदा आदमी। हाँ तो ये लकी ना, शादी हो गया इसका, भगवान के ऐसा लकी तुम नहीं जल्दी जो पॉसिबल नहीं है। और कुछ बताओ दोस्त, देखिए बहुत दिन के बाद पॉसिबल नहीं है, मतलब फिलहाल पॉसिबल तो नहीं ना है दोस्तों। फिलहाल शादी ब्याह होने के बाद क्या होता है कि जंजीर लग जाता है, स्वतंत्र होकर कुछ भी काम नहीं हो सकता है। खैर जो शादीशुदा आदमी है तो वो समझेगा, परम ज्ञान क्या प्राप्ति हो चुकी है। तो अभी आए हुए हैं मिस्टर विक्रम कुमार, सोचे कि चलो कुछ देर वेट कर लें और कुछ वीडियो भी बन जाएगा। और ये फिलहाल गर्मी में चाय बना रहा है, भाभी जी चाय बना के ला रही है तो चाय पियेंगे उस। तो सोचे कि उन्हें आप लोगों से बात किया जाए, गुफ्तगु की जाए। और बताइए सर, और क्या बताएं। अच्छा भाई आप ये बताइए, हाँ। आज हम आप मीडिया कर्मी बन जाते हैं आपके लिए, ये बताइए कि ये जो पावर लूम है किस तरह से ये पावर लूम चलता है, जरा ये बताइए तो, आप इसका प्रोसेस क्या चलाने का, कोई मान के चलिए, या मान के चलिए हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे दर्शकगण हैं, तो मान के चलिए वो पावर लूम चलाना चाहता है, काम करना चाहता है, तो शुरुआत कहाँ से करेगा, कितना कमाएगा, कैसे काम करेगा, ये बता दीजिए थोड़ा सा। क्योंकि कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग जो है इस धंधे में आ जाता है, जो नया खिलाड़ी होता है इधर उधर से भटक के पावर लूम चलाने के लिए आ जाता है, तो उसको कुछ आइडिया नहीं रहता है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ बताइए कैसे ये चलाया जाता है।
देखिए अगर पूरा का पूरा अगर आप नए हैं तो किसी के यहाँ जो कारखाना जो चला रहा है पावरलूम का, तो उसके पास चले जाइए वहाँ पे जाके सीखिए। कारीगर जो है अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करेगा, तो वहाँ से जो है ना बहुत अच्छा अपडेट आपको मिल जाएगा इसके बारे में। तो वहाँ पे खड़े रहकर आप चलाना सीख जाएंगे, समझना सीख जाएंगे, बहुत अच्छा सीख जाएंगे। तो फिर आप अपने घर में जाओ ये पावर लूम गाड़ेंगे तो किसी और का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। अगर आप फर्स्ट टाइम आप घर में गाड़ रहे हैं तो कुछ छोटा मोटा चीज़ के लिए ना आपको दूसरे के यहाँ जाना पड़ेगा कि कैसे क्या होगा कि नहीं होगा, या मास्टर को पकड़ना पड़ेगा। तो मास्टर 500-600 रुपये ऐसे पढ़े के ले लेगा एक टाइम का। तो इसलिए पहले जानकारी ले लीजिए और फिर इसमें आइए तो आप अपने आप सब चीज़ कर सकते हैं, इसमें कोई हार्डली कोई बात है नहीं। तो अभी आप लोगों को जो है मिस्टर विक्रम कुमार ये पावर लूम चला के दिखाएगा कि किस तरह से ये पावर लूम चलता है, वो आपको बता रहा है और आपको दिखा रहे हैं। देखिए समझिए, ये नहीं कि कूद जाइए मैदान में पावर लूम चलाने के लिए, अच्छा जानकारी पहले लीजिए उसके बाद ही, है ना। तो मिस्टर विक्रम कुमार आप बताइए किस तरह से ये चलता है। तो ये रहा पावर लूम और मिस्टर विक्रम कुमार अभी आप लोगों को बताया गया किस तरह से पावर लूम चलाया जा रहा है। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हत्ता। अच्छा, इसमें रीड लगा हुआ है और अच्छा ये रीड है, रीड ये है जो ये रीड है अंदर का, ये वाला कपड़ा को ठोकने का है ना, काम करता है बराबर। ये रीड है ना? नहीं ये रीड है, यहाँ अंदर में है। हाँ अंदर में आपको नहीं दिखेगा, अंदर में रीड है। इसको बे बेसर बोलते हैं, इसको बे बोलते हैं, इसको बेसर बोलते हैं। और ऐसे सामान के बहुत सारे पार्ट्स हैं। ये क्या है? ये है, ये मार देता है, मार का डंडा है। मारता क्या? व्हीलन का काम करता है क्या? मारता ये है शटल को जो है पुश करता है। अच्छा, जैसे उधर ठेलेगा और उधर का इधर ठेलेगा, जिससे कि धागा आर पार होता है। ये झाप जो है, ये बेसर जो है झाप का जो है काम करता है। एक एक पद को जो है उठाते रहेगा और शटल पास होता है तो उसको कपड़ा बिना जाता है। अब दिखाते हैं लूम जो बंद है ये मेरा, तो ये जो है खाली चल गया है, जो है लरी है ना खाली चल गया है। तो दो तीन पिक जो है ये ढीला हो गया है, तो इसीलिए जो है कपड़ा वहीं से फिर अच्छे चले, इसलिए शटर खोल दिए और यहाँ से जो है तीन पिक जो है बैक कर दिए, पीछे बैक कर दिए। अब जो है धागा कहाँ पर से ख़त्म हुआ है ये देखना है मुझे, तो धागा यहाँ पर से ख़त्म हो चुका है। तो उधर के मार पे जो है लूम बंद हुआ है। अब जो है इसको यहाँ से जो है शटर को उस साइड भेज देते हैं, चले गया। वाह, अब शटर को जो है कस देंगे ताकि किसी तरह से दिक्कत ना हो, नहीं तो नार बैठने का जो है, यानी शटर बैठने का जो है डर रहेगा। अब जो पीठ तो दे दिया है तीन पीठ ढील, अब यहाँ से जो है चला देंगे मशीन और अपना कपड़ा जो है बिनाई चालू होने लगेगा। इस तरह से जो है अब कपड़ा बिनाई चालू होगा और इस कपड़े का आप शर्ट टी शर्ट या फिर टॉप ये सब बना सकते हैं, कुर्ता भी बना सकते हैं और चाहे तो पजामा भी बना सकते हैं।
तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से यह पावर लूम चला है, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो कपड़ा है ये रॉकेट कपड़ा कहलाता है, यानी कि इससे आप जो है बाहर में इक्कत, इस कपड़े से बाहर में इसे इक्कत के नाम से जाना जा रहा है। ये इक्कत कपड़ा है, यानी ये हम लोग इसे रॉकेट कपड़ा कहते हैं, ये थान है, इससे बनता है आपका सूट बनेगा, शर्ट बनेगा, और इसमें तरह तरह के कलर है। जैसे यहाँ देखिए ये अलग यही डिजाइन है लेकिन कलर अलग है, इसमें बहुत ही अलग अलग कलर जो इसमें बनता है, डिजाइन अलग अलग बनता है। तो ये ऑल ओवर इंडिया विदेश में भी बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड है ये, ठीक है। इससे ज़्यादा टॉप और शर्ट इससे बहुत ही बेजोड़ता है, यानी फीमेल के लिए और जेंट्स के लिए, ये हर वर्ग के आयु के व्यक्तियों के लिए जो है ये बहुत ही कम्फर्टेबल। ये कॉटन, प्योर कॉटन का बना हुआ है क्या जी? प्योर कॉटन का बना हुआ है ये, और कॉटन बाय कॉटन है, भागलपुरी कॉटन कहते हैं इसको, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और बहुत ही इसको पहनने में कम्फर्टेबल होता है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ना इसका कोई कलर फेड नहीं होता है, और इसका यार्न डाई होता है, यानी कि इसको पहले से कलर कर दिया जाता है तब जाकर ये मशीन पर चलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसको चलाने के बाद फिर ये डाई होता है, ऐसा नहीं है, ये यार्न डाई है, पहले इसको डाई कर दिया जाता है, उसके बाद फिर। मेरा एक वीडियो है, ब्लॉग एक बनाया हुआ है इस पर कि ये कपड़ा जो है कैसे तैयार होता है, एक वीडियो पहले से बना हुआ है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं, लिंक जो है आपको शेयर इस वीडियो में डाल दिया जाएगा, कर लेंगे, हाँ दे देंगे, आप इसमें आराम से देख सकते हैं। और देखिए नन्हा कलाकार, नन्हा यूट्यूबर से मिली है, ये देखिए ये आगे आने वाला भविष्य का यूट्यूबर है। हाय बोलो। हाय हाय, मैं यूट्यूबर हूँ, नया नया यूट्यूबर, हेलो। सो के उठा लगता है ये, हेलो। इसको हम कार्टून, पहला कार्टून दिखाने वाला हम ही हैं, पहला जो कार्टून दिखाया है वो हम हैं, कार्टून दिखाने वाले में पेपर में छाप पेपर में इतना बड़ा यहाँ बोल रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा है। तुमको हम कार्टून दिखाए थे बाबू, क्या बेटा, ए चाचा की गोदी में हो तुम, पापा देखो यहाँ है पापा, शर्मा आ गया। तो ये देखिए मेन मकसद आपको ये चीज़ दिखा दिया, ब्लॉग भी हो गया, जानकारी भी आपको मिल गया। अब ऐसे ब्लॉगिंग का काम ही होता है कि आप लोग को जानकारी अवेयर करना, ठीक है, अवेयर करना कि ब्लॉगिंग भी हो गया, मस्ती भी हो गया, कुछ हंसी मजाक भी हो गया, आप लोग से बात भी हो गया, और ये जानकारी तो कम से कम आपको मिला कि कपड़ा कैसे तैयार होता है। ऐसे तो भागलपुर जो है अंग प्रदेश है, और अंग प्रदेश में जानते ही हैं कि यहाँ सिल्क का सिल्क का जो काम है ये सदियों से बहुत पुराना, हजारों साल से यह काम चलता आ रहा है, इसीलिए हमारे भागलपुर को सिल्क सिटी नाम से जाना जाता है, नाम से भागलपुर को जाना जाता है। यहाँ इतिहास बहुत इसका जो है बहुत गौरवशाली है, अभी चूँकि बिहार कुछ लोगों की वजह से बदनाम है, लेकिन बिहार का जो इतिहास है बहुत ही ज़्यादा गौरवशाली है, और लोगों को सोचना भी चाहिए, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो इतिहास बिहार का जान रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि बिहार को सुधारने की कोशिश की जा सके। ऐसे तो बिहार बहुत गौरवशाली रहा है, आप अगर बिहार के बारे में जानेंगे तो आपको गर्व महसूस होगा कि बिहार ऐसा ही बिहार बिहार नहीं हो गया, ये बिहार एक ऐसा राज्य है जो पूरे दुनिया में ज्ञान के लिए देने के लिए प्रसिद्ध है। क्यों जी? हाँ, चाय बन गया, विश्वविद्यालय चाय बन गया है, और अभी जो है घर वाली चाय लाएगी। देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, चश्मा खोल लो, चश्मा खोल मारेंगे, चश्मा खोल तोड़ देंगे, ज़्यादा दिख रहा है इसको। तो कमेंट करके आप बताइए कि जो जानकारी आप लोग को दिए हैं तो कैसा लगा जानकारी, क्योंकि इस पर एक वीडियो बना हुआ है, तो अगर डिटेल्स में और डिटेल्स में अगर जानना चाहते हैं कि कपड़ा बनाने का क्या क्या प्रोसेस है, तो आप जो है आप वहाँ मेरे वीडियो पर जाकर, ब्लॉग पर जाकर वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें कि रॉकेट थान यानी कि रॉकेट साड़ी या फिर जो थान है वो किस तरह से तैयार हुआ है, क्या प्रोसेस है, आप सब देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सके, क्योंकि बहुत दिन से 6 महीने से चैनल मेरा बंद है, और सबसे बड़ी खुशी की बात ये होगी अगर चैनल मोनेटाइज हो गया तो कम से कम कुछ सोर्स ऑफ इनकम तो स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और बनाने में देखिए मैं चाय आ गया, अब विक्रम कुमार भी हमारे यूट्यूब के ये ब्लॉग का हिस्सा बनने वाले हैं, और ना यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये टकला महाराज, हेलो भाई, चाय पी लो चाय, अरे तुम लो आओ ज़्यादा ले लो, बहुत ज़्यादा चाय, हालांकि हम लोग बहुत कम कर दिए पीना, नहीं पीते उतना चाय, कभी कभी देखिए बहुत दिन के बाद वीडियो में चाय दिखा रहे हैं, क्या 1 साल हो गया होगा, पहले जो वीडियो ब्लॉग बनाते थे चाय दिखाते थे, अब बहुत दिन के एक दो कमेंट भी आया हुआ है, मतलब कुछ एक दो कमेंट भी कहता था, या हम लोग जब मिलते थे ऑफलाइन दोस्तों यारों के साथ तो वो लोग भी बोलता था, अरे तुम्हारे वीडियो में खाली देखते चाहिए चाय पिलाते हो, खाली चाहिए दिखाते हो। अब देखिए चाय जो है बहुत दिन के बाद चाय दिखा रहे हैं, हालांकि चाय नहीं दिख रहा आप लोगों को, कब दिख रहा है, कब दिख रहा है। एक बड़ा फ़ायदा है इसमें
चाय आप लोग को नहीं दिखेगा कि चाय नहीं दिखेगा, और खाली कप भी ऐसे पकड़ के रहेंगे तो आपको लगेगा कि चाय पी रहे हैं, लेकिन चाय है। देखिए आप हल्का सा गिरा के दिखा दीजिए। मैं क्या है ऐसे दिखा दिखा चलो लिखा ना चाय। तो आप लोग भी चाय पीजिए गर्मी में, लोहे को लोहा काटता है तो गर्मी को चाय काटता है। ठीक है, भाग दिखा दो बता दो कि चाय पी रहे हैं, खाली कप पकड़ ले कहीं चाय पी रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग इधर कपिल शर्मा शो नहीं है कि वहाँ झूठ मूठ कैसे रखा जाता है कि सिर्फ शो के लिए, ऐसा नहीं है। हम लोग जो खाते पीते हैं वो हकीकत में जो देखो देखो वो खा सकते हैं। अगर यहाँ पर है प्रचंड है, ऐसा थोड़ी है कि अब देख रहे हैं घर पे बैठे आप देख रहे हैं घर बैठे कि हाँ भाई स्क्रीन में दिख रहा है चाय समोसा या कुछ और हम खा ले, तो स्क्रीन से कैसे खा सकते हैं आप? नहीं खा सकते हैं, इसलिए आपको हमारे पास आना होगा। आना होगा, आपको बुलाना पड़ेगा। हाँ। आप अगर चिकन बना रहे कुछ भी बना रहे बुलाइए, हम खा के दिखा देंगे आप। खा के दिखा देंगे, खाया जाता है कि नहीं? वही तो, कमेंट में फ़ोन नंबर मांगेंगे दे देगा तुरंत। अपने घर का एड्रेस बताइए, ठीक है, आपको व्हाट्सअप नंबर दे देंगे। खाली आप बोलिएगा कि इस दिन जो है मेरे घर में बन रहा है, चिकन बन रहा है या फिर कुछ भी बन रहा है, आगे दिखा देंगे आपको कैसे खाया जाता कैसे है, देख लीजिएगा, है कि नहीं? तब आपको यकीन होगा कि हम लोग जो वीडियो बनाते हैं या वीडियो में कुछ भी दिखाते हैं तो वो नकली नहीं होता है, नकली नहीं होता, झूठ नहीं होता, रियल में हम लोग खाते पीते दिखाते हैं। सही बात है। तो ये देखिए यकीन कैसे होगा, जब तक आप साक्षात नहीं देखिएगा तब तक आपको यकीन नहीं होगा, यकीन नहीं होगा, है ना? इसीलिए आप पहले इन्वाइट कर दीजिए, पहले बुला लीजिए हम लोगों को, आगे खा के दिखाते हैं, दिखाते हैं तब कि हम लोग खाते पीते हैं कि नहीं। जिन लोगों को ऐसा शक लग रहा है कि तो जिन लोगों को शक लग रहा है कि हम लोग झूठ झूठ बोलते हैं, नहीं झूठ ऐसा नहीं है, आप बुला सकते हैं, बुला सकते हैं, हम लोग आएंगे, खुला इनविटेशन है, एक घंटा पहले हम लोग आएंगे, टेंशन मत लीजिए, एक घंटा पहले आएंगे। वही तो, अगर आप ज़्यादा अगर मतलब कि बोल रहे हैं दिखा रहे हैं कि नहीं आओ कोई दिक्कत नहीं है, पैसे को कोई दिक्कत नहीं, दो चार को और साथ में लेके आ जाएंगे, लेके आ जाएंगे, है ना? हाँ, आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हम है कुछ एकदम, और एक 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 सुविधा यहाँ पे और भी है, जैसे कि आप बराती में आपका आदमी घट रहा है तो इधर से हम लोग है ना पूरा मोहल्ला तैयार कर सकते हैं। हाँ, बराती में खाने पीने के जाने पूरा बस्ती आ जाएगा, बस्ती आ जाएगा, बुला सकते हैं, 1,000, 1,200, 2,000, 20,000, 1,00,000 जितना बोलिएगा सब आ जाएंगे, पूरा कोई दिक्कत, आदमी की कमी नहीं है जाने के लिए, बहुत खाने के लिए हम लोग आदमी कमी नहीं है, दोस्त यार इतने हो जाएगा ना क्या बर्बाद हो जाएगा। अब अगली बार सोचेंगे कि हाँ भाई क्या बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे, पेपर में नाम छपेगा 50,000 आदमी आ गया उसके बराती में, लड़की वाले को भागना पड़ जाएगा, है ना? फिर आपका शादी नहीं हो पाएगा। मैं शादी तो आपका करा देंगे, जब बहुत खाएंगे भाई, या तो इतना सब फ्रिज है ना कि आपका ब्याह करा देंगे। हाँ घर में, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, एंटरटेनमेंट किए होंगे, क्योंकि दो बार से जो ब्लॉग बना रहे थे हम ही अकेले थे, एक अंधेर आधा रात में जो है छत पर बैठकर भाषण देते रहते थे, कुछ लोगों को ये पसंद भी नहीं आता होगा, तो आज आपको दिखाएं कि कैसे गर्मी में हम लोग चाय पी रहे हैं, दीपावली रूम का काम देखो गर्मी में क्या बात बताते हैं, जैसे कि लोहा का लोहा काटता है ना, तो वैसे गर्मी को गर्मी कैसे काटेगा भाई, चाय पी लो, चाय पी लो, चाय जो है गर्मी को काट देगा, बहुत बढ़िया सटीक है और बहुत बढ़िया उपाय। और आपको ये चीज़ बोले भी थे कि हम आएंगे तो जैसे पॉडकास्ट कैसे होता है, तो वैसे आप लोगों को हम दिखाते रहेंगे, आज विक्रांत से मिलाए कल किसी और से मिलवा देंगे, ठीक है, तो ऐसे चलता रहेगा, बीच बीच में आपको बोर नहीं होने देंगे, हमेशा इंटरटेनमेंट करते रहेंगे आप लोगों का। चैनल मोनेटाइज करवा दीजिए, व्यूज़ अच्छा दीजिए, सब्सक्राइबर अच्छा दीजिए, वादा करते हैं आपके लिए वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। देखिए अगर मान के चलिए कि आप हमको देखना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है, कि डल झील दिखाओ कैसा है, ठीक है, डल झील दिखाओ कैसा है, हाँ कैसा पीओ के दिखा दो कैसा है, अच्छा है ना, तो वहाँ जाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा तो है ना, तो आप बोलिएगा अमेरिका आ जाओ, आपको सब्सक्राइब और व्यूज देने में क्या हर्ज है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भाई 10-5 मिनट ऐसे चालू कर, आप बोलिएगा विकास चंद्रा जो है ना वो अमेरिका जाए, अमेरिका का जो है दिखाए रहन सहन खान पान दीजिए, हम आपको व्यूज देंगे वहाँ से, व्यूज आपको दिखाएंगे, व्यूज आएगा कुछ पैसा होगा तब ना आपके लिए ट्रेवलिंग करेंगे, पैसे नहीं तो क्या ट्रेवलिंग करेंगे, ऐसे खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं आप सुनते जाइए, चाय पी रहे हैं आप देखिए, ज़्यादा अगर लालच हो मन ललचा है तो घर में जाए चाय बना पी लीजिए, आप लोग अच्छा व्यूज देने लगे, हम मैनेजर रख देंगे एगो, आप उससे बात करते रहिएगा कि हाँ भाई कैसे क्या प्रोसेस था जाने का वहाँ अमेरिका इंग्लैंड ये सब, आप उससे फ़ोन करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं, आपका अपना आदमी होगा, अगर नहीं देना है तब तो ऐसे भाषण दे रहे हैं, कभी हम अकेले देंगे, कभी ये है कभी कोई आएगा,
ऐसे भाषण देते रहेंगे, सुनते रहिए आप आराम से, रख दीजिए मोबाइल, काम करते रहिए या फिर किचन में रहिए, खाना बनाते रहिए, रोटी सानते रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए, भाषण सुनते रहिए, नहीं कीजिएगा तो यही होगा, क्या कर सकते हैं। अगर बोरिंग लाइफ से अगर ज़्यादा अच्छा लाइफ में जाना है तो हम लोगों को व्यूज दीजिए, बहुत अच्छा हो सकता है कि आप लोगों को एक ऑफर भी दे दें कि हम लोग का साथ में आपको अमेरिका, इंग्लैंड, थाईलैंड ये सब लेके जाए, अंटार्कटिका लेके जाए, अंटार्कटिका लेके जाए, आर्कटिक लेके जाए, मंगल ग्रह पे लेके जाए, आपको ऑफर मिलता रहेगा, ऐसा कोई दिक्कत है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही बात है, चांद का अच्छा, चांद पर लेके जाएंगे, चांद पर लेके जा सकते हैं, गगनयान मिशन जो आने वाला है नेक्स्ट, उसमें हो सकता है आप लोग को चांद पे भेज दें। तो ऐसा मतलब कि आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए जिस तरह से कुवारा लड़का लड़की सोचता है ना कि तो शादी हो जाए ना, तो शादी जीवन एक्साइटेड रहता है पूरा शादी करने के, वैसे यूट्यूब है ना, वैसे यूट्यूब है, यूट्यूब का चैनल है, यूट्यूबर्स हैं, वो भी तो सोचता है कि भाई चैनल मेरा सब्सक्राइब हो जाए, कुछ पैसा कोड़ जाने लगे, ताकि जो है अच्छा अच्छा मतलब कि हम लोग भी खान पान दिखाएँ, जगह दिखाएँ, घूमें फिरें, दर्शकों का इंटरटेनमेंट करें, पैसे नए फटे हाल है, जेब में हाल घुसाते नीचे से हाथ निकल जाता है, तो क्या फ़ायदा है जेब में पैसे नए हैं, हाथ घुसाएँगे पैसा निकालने के लिए पता चलेगा क्या, हाथ घुसाए हैं और नीचे से हाथे निकल गया, पैसे नहीं निकला, तो क्या फ़ायदा फिर? एक बार हमें सही जेब में इसका हाथ दे दिए थे पता चला फटा हुआ था जेब से नीचे से हाथ निकल गया, आप समझ सकते हैं फटे हाल में किस तरह से जी रहे हैं बताइए। अच्छा तो ये भी फटा हुआ पहना है, अभी तो बढ़िया वाला है, लेकिन फटा हुआ होगा, फला निकला नीचे थोड़ी दिखता है। अच्छा दिखा देना, ऐसा उठ के दिखा दो कैसा है ये बार बार सेंड मार के वीडियो बनाता है, इसको हम कितना बार समझाया है। अच्छा आप लोग सुगंध थोड़ी जाता होगा वहाँ वही तो अरे आप लोगों को कॉमन सेंस वाला बात है, आप लोगों को सुगंध आता है कैसा है नहीं है अगर हम इसको बता दीजिए आपको सुगंध आता है कि नहीं, तो अरे ये परफ्यूम ऐसे ख़त्म कर देगा लगता है परफ्यूम मार। अच्छा आप लोग में बहुत मेरे से मिले होंगे, कभी लगाए क्या परफ्यूम मारे? परफ्यूम लगाते ही नहीं है। अच्छा तो वीडियो काहे बनाता है परफ्यूम? अरे बिना परफ्यूम लगाए वीडियो बनाते हैं भाई, अब ऐसा एक्स वाला म्यूजिक वाला नहीं है जो परफ्यूम मारे उधर से डस्ट आ गया उड़ के, वैसा नहीं है, मेरा व्यूवर ऐसा भी आता है क्यों दोस्त? हाँ एक बंदा देख रहा है उधर से टुकड़ टुकड़। अच्छा बुला लो उसको भी, आइए एक लोग एक शख्स से और भेंट करवा देते हैं, और आ जाओ तुम भी, चलो घुसो तुम भी अपना दर्शन दे दो। हाँ तुम भी अपना चेहरा दिखा दो, ये बंदा भाग रहा है, ये जब बोलना चालू करता है ना सबके बोलती बंद करो। अरे आप बोलो, बोलती बंद करो तो बहुत लंबा मेरे ख्याल से वीडियो हो गया होगा, पूरा वीडियो वॉच कीजिए, करवाइए। अगर आपके घर में 10 मोबाइल है तो 10 मोबाइल आप लाके वॉच करवाइए, दोस्त या रिश्तेदार, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जहाँ कोई भी हो, एक पत्नी, दो पत्नी, हज़ार पत्नी, हज़ार पति, जितना भी हो, सबका चैनल, सबका मोबाइल लीजिए, मोनेटाइज करवाइए, शेयर करवाइए, वीडियोज़ देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, हेल्प कीजिए, क्योंकि आज का जो दुनिया होता है दोस्त, बहुत सेल्फिश होता है, बहुत स्वार्थ भरा दुनिया है, कोई किसी की आजकल मदद करता नहीं है, रियल बात है, कोई किसी की मदद ही नहीं करता है। अगर आपको बोल देंगे ना शेयर कीजिए, आप नहीं कीजिएगा, लेकिन इससे हमको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, कुछ मिलेगा, पैसा मिलेगा, ये बोलता है मुँह पे बोलता है क्या? हम भी बोलते हैं कुछ दोस्तों को, क्या है वो टाइम नहीं मेरे पास, क्या पैसा मिलेगा, क्या पैसा दोगे क्या, ऐसा बोलने का मुँह पे बोल देता है। दो चार दोस्त ऐसा है मेरा जो मुँह पे बोल देगा ऐसा, कुछ लोग हैं लेकिन बुराई हम नहीं करते, सबका अपना अपना मन है, हम ज़बरदस्ती क्यों करें किसी का भाई कि करोगे ना, तुमको पसंद आएगा तुम खुद करोगे, है ना? आप लोगों को अगर पसंद आएगा वीडियो की आता है नहीं, विकास का बहुत अच्छा काम होता है, अभी विकास के पास मजबूरी है कि वो बेचारा नहीं कहीं जा सकता, नहीं वीडियो बना सकता है, बहुत मजबूरी है, तो आप मेरा हेल्प कर सकते हैं एक इंसानियत के नाते। देखिए कुछ घटेगा नहीं अगर आप अगर ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर हमको उसके ज़रिए कुछ सब्सक्राइबर मिल जाएगा और कुछ फ़ायदा अगर होने लगेगा, तो आपका कुछ घटेगा नहीं, है कि ना दोस्त? सही बात है, हम भी किए हैं, हम भी करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबके सबके ऊपर है, लोकतंत्र है, सब अपना अपना काम कर सकता है, आपके ऊपर है आप करें या ना करें वो तो बात की बात है, मेरा काम है कहना तो कह देते हैं, क्यों विक्रम तुम्हारा? हम लोगों का काम है कहना और आप लोगों का काम है करना। देखिए आप लोगों के दिल में अगर मेरा हम लोगों का बात घर कर गया है तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, व्यूज देंगे, और हम लोगों को थाईलैंड, इंग्लैंड और तरह तरह जगह के जाने के, बैंकॉक जा रहा है, ये बैंकॉक जाएगा, ये थाईलैंड जाना है, बैंकॉक और भी बहुत जगह जाना है, हवाई में यात्रा करना है। बाय बाय गाइस, तो मिलते हैं फिर जल्द ही नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। अरे कैसे क्या कर रहे हो? तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। अरे लाइट थोड़ा सा ऐसा करो ना।
अरे ऐसे घुमाना, अपना चेहरा दिखाना, रहे दोनों एक के साथ रहेंगे ना, अरे ऐसे करो, हाँ ठीक है। तो मिलते हैं जल्द ही नए ब्लॉग में, तो आप लोग खुश रहे, शांति से रहे, अच्छे से रहे, परिवार के साथ रहे, पत्नी के साथ रहे, पति के साथ रहे, खुश रहे, अच्छे से सुखी जीवन व्यतीत करें, और हमारे वीडियोस को जरूर प्यार दें और हमें भी प्यार दें। सब एंटरटेनमेंट था भैया। हाँ, और आपका सीरियस मत लीजिएगा, सब मजाक था, आप लोग हम एंटरटेनमेंट कर रहे थे फ्री में, वो भी चलिए ठीक है। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। दिन में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, रात में देख रहे हैं तो गुड नाइट, और दोपहर में जो सोने के बाद देख रहे हैं तो कुछ नहीं। सोने के बाद हैप्पी स्वीट ड्रीम।